बनाई है मयार जिंदगी, गौर से सुनिएगा, एक लाख से बनाई है मयार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। रिस्पेक्टेड जजेस, प्रिंसिपल सर, टीचर और यहाँ पर आए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहूंगी कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं, मेरे दोस्तों, ये भारत। दोस्तों, कई वर्षों पहले हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के वीर, हमारे देश के अशफाक उल्ला खान तथा भारत के बहुत ज्यादा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने हमारे देश को आजाद करवाया। उनका केवल एक सपना था कि हमारे देश को आजाद देखें, खुशहाल देखें, यहाँ के लोग भाईचारे के साथ रहे, उनका केवल एक सपना था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे दोस्तों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के ऐसे कई लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। आज 21वीं शताब्दी में जहाँ देश भर के, दुनिया भर के देश जो है वो डेवलपमेंट के पीछे लगे हैं, वो बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर रहे हैं, वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट के आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों के मनों में धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है। वाह मेरे देश के लोग! मेरे दोस्तों, मैं सुनती हूँ अपने देश के लोगों से, कट्टर, आपने भी सुना होगा, कट्टर मेरे दोस्तों, क्या कट्टर? आप हिंदू हो, आप मुसलमान से नफरत करोगे, तो आप कट्टर हो, अदरवाइज यू आर एंटी नेशनलिस्ट। बट वाह, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मेरे दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान, मेरे दोस्तों, एक सच्चा हिंदू वो है जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को बराबर का सम्मान दे और बराबर की इज्जत दे, है कि नहीं? मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको भाईचारे की एक मिसाल देना चाहूँ ना, हमारे टीचर्स जब बच्चे को शिक्षित करते हैं ना, कभी नहीं पूछते आपका धर्म क्या है, पूछते हैं, ये मिसाल है हमारी, बिना धर्म बिना जात देखे एक बच्चे को शिक्षित करते हैं, उसको अंधेरे से उजाले की तरफ ले आते हैं, ये हमारे टीचर। दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं भाईचारे के, हमारे डॉक्टर, एक डॉक्टर कभी अपने मरीज से नहीं पूछेगा कि तेरा धर्म क्या है, सही बोल रही हूँ? मेरे दोस्तों, हमारे देश की एक सबसे बड़ी मिसाल ये हमारी फोर्सेस है।